नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पंजाब और हरियाणा में 31 जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने पंजाब के मोगा, बरनाला, कपूरथला, जलंधर, होशियारपुर, तरन तारण, लुधियाना, गुरदासपुर, SBS नगर, अमृतसर, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला और मोहाली में छापेमारी की, जबकि हरियाणा के सिरसा में भी एनआईए की टीम ने रेड की। ये रेड इसी साल 19 मार्च को लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले की जांच को लेकर की गई। इस हमले में 50 से भी ज्यादा लोग शामिल थे। इसी साल मई में एनआईए की एक टीम इस पूरे हमले की जांच के लिए लंदन गई थी। वहां पर तफ्तीश के दौरान यह पता चला कि कैसे लंदन में बैठे खालिस्तानी रवि सिंह के एनजीओ खालसा एड की मदद ले रहे हैं। रवि सिंह के इस एनजीओ का हेडक्वार्टर लंदन में है और भारत में इसी एनजीओ के दो ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। साथ ही इस हमले में शामिल खालिस्तान टेररिस्ट फोर्स के आतंकी परमजीत सिंह पम्मा के घर पर भी एनआईए ने रेड डाली। परमजीत सिंह पम्मा अगस्त 2009 में एक कत्ल के सिलसिले में भी एनआईए के रेडार पर है। उसने राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रुलदा सिंह की हत्या पंजाब के पटियाला में कराई थी। इसके अलावा उस पर आतंक के कई मामले दर्ज हैं। वो एनआईए का मोस्ट वांटेड है। इस रेड के बाद जारी प्रेस रिलीज में एनआईए ने बताया है कि छापेमारी के दौरान उन्हें डिजिटल और दस्तावेजों की शक्ल में कई सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि भारतीय दूतावास पर हमले में कौन कौन लोग शामिल थे और उनको फंडिंग कहां से की गई। ये पूरी साजिश कब और कैसे रची गई। लंदन गई एनआईए की टीम की जांच में यह भी सामने आया कि लंदन हाई कमीशन पर हमला करने में कुछ लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इनमें शामिल था दल खालसा से ताल्लुक रखने वाला गुरचरण सिंह, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का अवतार सिंह खांडा, जो हाल ही में लंदन में संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया। इसके अलावा मुख्य साजिशकर्ताओं में जसवीर समेत कुछ और लोगों के नाम भी शामिल हैं। भारत सरकार की ओर से पहले ही इशारा कर दिया गया है कि उसने खालिस्तान मूवमेंट के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला है। इसके तहत विदेशों में भारतीय दूतावासों और हाई कमीशन को निशाना बनाने वालों के खिलाफ भारत में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों का OCI कार्ड कैंसिल किया जाएगा। अगर वो भारत आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी तय है और इसके अलावा उनकी जो भी संपत्तियां हैं उन्हें आतंकी फंडिंग का इस्तेमाल कर बनाया है, जिन संपत्तियों को आतंकी फंडिंग के जरिए बनाया है उन्हें भी भारत में जब्त किया जाएगा। एनआईए की इतनी बड़ी रेड उसकी पहली सीढ़ी है और आने वाले वक्त में ऐसे खालिस्तानी आतंकियों और समर्थकों के खिलाफ सरकार की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। खालिस्तानियों ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लंदन में भारतीय दूतावासों और हाई कमिश्नरों पर हमला किया है और वहां पर जबरदस्त तोड़फोड़ भी की है। तो एनआईए ऐसे लोगों के खिलाफ पुख्ता केस तैयार कर रहा है और धीरे धीरे विदेशों में खालिस्तान को लेकर बवाल करने वाले लोगों के आसपास भी घेरा अब तंग होता जा रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले वक्त में भारतीय दूतावास और हाई कमीशन को निशाना बनाने वाले लोगों को विदेशों से डिपोर्ट किया जाए और उनके खिलाफ भारत में मुकदमे चलाए जाए। हाल ही में खालिस्तान का झंडा उठाने वाले कई आतंकियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई या अज्ञात लोगों ने उन्हें मौत के घाट उतार डाला। सिख फॉर जस्टिस नाम का आतंकी संगठन चलाने वाला गुरपतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानियों की हत्या का इल्जाम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लगा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब पुराने खालिस्तानियों को निपटा कर नए लोगों को आतंक के धंधे में लाना चाहती है या कहिए लगाना चाहती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत इस बात की शिकायत दुनिया के देशों से करता रहा है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के आतंकियों का पालने पोसने वाला मुल्क है और वो उनको प्रश्रय देने का काम करता है और दुनिया भर के देश पाकिस्तान की हरकतों को देखकर उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। पाई पाई के लिए मोहताज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में आने के बाद और भी बदहाल हो जाता है। अब ऐसे में पाकिस्तान की ISI ऐसे चेहरों को खालिस्तान मूवमेंट में लाना चाहती है जिनका कोई पुराना आतंकी रिकॉर्ड ना हो। यानी पाकिस्तान अब अपने पुराने पापों को ठिकाने लगाकर आतंक की नई साजिश में नए चेहरों का इस्तेमाल करना चाहता है। भारत कई बार खालिस्तान और पाकिस्तान के बीच होने वाली फंडिंग के सबूत दुनिया के सामने पेश कर चुका है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हुई है। एक ओर तो भारत खालिस्तानियों की मदद रोकने के लिए पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है तो दूसरी तरफ
वो अपनी जांच एजेंसी NIA की मदद से खालिस्तानियों को दूसरे देशों में भी घेरने की कोशिश कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा खालिस्तानियों को डिपोर्ट कर भारत लाया जा सके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।